अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर से जोरदार बम धमाका हुआ। विदेश मंत्रालय के बाहर हुए इस धमाके में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका काफी तेज था और जमीन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अभी तक सरकार द्वारा इस धमाके पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया। जानकारी के मुताबिक डाउनटाउन में दाऊद जई ट्रेड सेंटर के पास ये धमाका हुआ। इससे पहले भी अफगानिस्तान में कई बड़े बम धमाके हो चुके हैं। जब से तालिबान का राज फिर से स्थापित हुआ है अफगानिस्तान में, ये धमाके आम सी बात हो गई है। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं धमाके होते रहते हैं और कई मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बड़ी बात यह है कि जहां इस बार धमाका हुआ, जनवरी महीने में भी ऐसा ही एक विस्फोट हुआ था जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दरअसल इस साल 11 जनवरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक आत्मघाती बम धमाका हुआ जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये धमाका तालिबान के विदेश मंत्रालय के बाहर हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के बाहर विस्फोट और गोलियों की आवाजें सुनाई दी। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफी ठाकुर ने बताया था कि आत्मघाती हमलावर ने मंत्रालय के पास ही खुद को उड़ा लिया था। इससे पहले 12 दिसंबर को काबुल के शहर ए नवा इलाके के होटल को हमलावरों ने निशाना बनाया था। इस होटल को चाइनीज होटल कहा जाता है क्योंकि यहां वरिष्ठ चाइनीज अधिकारी अक्सर आते जाते रहते हैं। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी और 18 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए थे। बता दें अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा, वहीं तालिबान जिसने 2 दशक तक अमेरिका से लड़ने के बाद वहां पर अपना कब्जा जमाया, वो अब अफगानिस्तान को संभाल नहीं पा रहा। खैर जबरन उसने वहां सरकार तो बना ली, लेकिन आए दिन हो रहे हिंसा को रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा। आधिकारिक रूप से अब तक हमले की किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली। बता दें अफगानिस्तान पर तालिबान ने अगस्त 2021 में अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद से अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान की ओर से लगातार हमलों को अंजाम दिया जाता रहा। इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़ा क्षेत्रीय संगठन इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस तालिबान का अहम प्रतिद्वंदी है। ये संगठन सुरक्षा बलों और शिया अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाता रहता है। तालिबान इस संगठन के आगे अब झुकता नजर आ रहा क्योंकि आए दिन हमले होते जा रहे हैं और वो हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है। खैर इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली, लेकिन इस धमाके में किसका हाथ है ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा। खैर पाकिस्तान के बोए हुए इतने आतंकी अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बसे हैं कि उन्हें अब रोक पाना मुश्किल है। आपका क्या कहना है अफगानिस्तान में हुए इस धमाके को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।